अगर आप लोग को रुई के जैसा स्पंजी मार्केट के जैसा ढोकला बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शुभम मिस और आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभम मिस के किचन हिंदी में। फिर से एक नया वीडियो पर आपका स्वागत है। अभी बरसात का समय है, बरसात के समय में ढोकला बहुत पसंद आता है और आपका डिमांड था ढोकला रेसिपी सिखाइए, तो मैं बिल्कुल आसानी से ढोकला रेसिपी बनाने सिखाऊंगी और बहुत कम समय में बिल्कुल स्पंजी मार्केट की तरह ढोकला झटपट घर में बनाने सिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। हम ढोकला बनाने के लिए नींबू पानी बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले पानी डालूंगी। अब नींबू डालेंगे, अब नमक डालेंगे, हींग भी डालेंगे, और अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब 2-3 कटी हरी मिर्च डालूंगी और अदरक डालेंगे, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हो गया नींबू पानी तैयार। अब हम एक बाउल लेंगे और बेसन डालेंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार डालूंगी, हल्दी 1/2 स्पून डालूंगी क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने से लाल हो जाता है। अब मैं 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड करूंगी। अब नींबू का रस ऐड करूंगी और बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिलाएंगे, नहीं तो गुठली बन जाएगा। बेसन को ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा रखना है, पतला हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं बनेगा, गाढ़ा हो जाएगा तो भी नहीं फूलेगा। यहाँ पर हमें मीडियम रखना है ताकि अच्छे से फूले। अब हमें मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखना है, उसके अंदर पानी रखना है और उसके अंदर कोई भी स्टैंड रख दीजिएगा। एक वॉल लेंगे और उसके चारों तरफ तेल लगा देंगे। बेसन में मैं ऐड करूंगी इनो, अगर आपके पास नहीं है तो बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। इनो डालने के बाद थोड़ा सा मिलाना है, मैं ट्रांसफर कर देना। अब इसे हम रखेंगे कढ़ाई के अंदर। अब इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट छोड़ देंगे। अब इसे चेक कर लेंगे सुआ से, आप देख सकते हैं सुआ बिल्कुल साफ निकला है, कहीं भी कुछ नहीं है। अब कढ़ाई से निकाल लेंगे 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने छोड़ देंगे। अब तड़का तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डालेंगे और हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब थोड़ा सा हींग डालेंगे, राई डालेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। अब कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अब करी पत्ता डालेंगे और पानी ऐड करेंगे। अब मिक्स कर देंगे। अब तड़का पूरा तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे, ठंडा हो गया है। अब ढोकला देख सकते हैं चारों तरफ से अलग हो गया है। अब चारों ओर चाकू से निकाल लेंगे। अब इसे पलटा देंगे, कितना आसानी से निकल गया है मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल स्पंजी और सॉफ्ट है।
जूस ऊपर से डालेंगे। ढोकला को कट करने से पानी अच्छे से सोखता है। अब पानी सोख लिया है, अब ढोकला तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को अवश्य लाइक कीजिएगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।